किधर बोलना है, किधर क्या नहीं बोलना, ये ना हमने खुद सीखा और ना हमने अपनी बच्चियों को सिखाया। अगर खामिंद था तो इसके लिए हुक्म था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर हूँ। ये आपने भी नहीं सीखा, ये मैंने भी नहीं सीखा, तो फिर क्या है? फिर हजरत कार कार पांडे खड़कंडे देने, कार कार पांडे खड़कंडे देने, एक हफ्ते बाद तलाक, चार दिन बाद तलाक, महीने बाद तलाक, छह महीने बाद तलाक, मामूल बन गया लोगों का। वजह दीन नहीं आता, जिंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ के हकूक क्या हैं, बीवी के हकूक क्या हैं, पता ही नहीं किसी को। जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं बस, जिधर उसको गुस्सा आया उसको गुस्सा आया, सब खत्म कर दिया। दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं, चल ऐसे लिए गुस्से चे मैं ठंडा पै जाऊंगा, मियाँ नहीं समझने को तैयार, चल भाई सारा दिन भी बेचारी थकी हुई है, इतने ज्यादा बच्चे हैं, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, हजार इसको टेंशन नहीं है, चल इस वक्त थोड़ी सी है, मैं ठंडा रह जाऊं थोड़ा सा ना। अरे जी औरत को इस बात का ख्याल है, बेचारा सारा दिन मजदूरी करके खपिया तपिया कर आया है, मैं बाद में ये पंडोरा बॉक्स खोलूंगा, अरे जी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसने ये किया, उसने वैसे किया, वो मुझे ये कह गई, वो बंदा आगे बेचारा सारे दिन का ये सुन सुन के आया होता है, आगे से फिर वो भी यही वाला खोल देती है, ना उसको समझ आए ना उसको समझ आए। मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक बड़ी जबरदस्त बात सुनाया करते थे, आपको औरतों में वलिया बड़ी कम मिलेंगी अदर जी, हाँ जी अल्लाह ये भी एक मसला है अदर जी, क्योंकि कैमरा लगा था उन्हें भी गल चुकी जानी है, जो देखो जी एक ही कहन डे, हाँ जी आपको बड़ी कम मिलेंगी अदर जी। हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते इस नारोवाल वाली साइड पे ना हमें पता लगा कि दो ही जी वली ने, बाबे होरी तो है नाल माई होरी भी वलिया ने। हकीम साहब फरमाते हैं कि हम स्पेशल देखने गए कि बाबे होरी तो वली ठीक ने, अम्मा जी वलिया किमें बन गई, वो बाबे होरी ना लोहारा काम करते सन, दातरियां छात्रियां लाते सन, फरमाते हम जाके बैठ गए, उन्होंने बड़ी मुहब्बत की, कहते मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी तो चलो वली समझ आ गई ना, माँ और वलिया किमें बन गई है? तो फरमाते मुँह आगे से कहने लगे लो तानू नहीं बहा दें, ये वली किमें बनी है? वो बाबा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा जी को कहते हैं भली ये लो के पता नहीं परना कितने वे जा, हजर अंदर वेख लगता कि अंदर ही छड़ आया, अल्लाह परना बाबे और आंदे मोंडे ते। वो अम्मा जी उठिया अंदर गई जाके परना वेख के ना, तो आके कहंदियां ने अंदर तो नहीं जे लब्भा कोई भी, तुसी आख्या तो चलो मैं वेख आई हाँ, तो जरा ध्यान करो हाँ परना तुहाडे मोंडे उत्ते ही है, कहंदे ने ओहो बस ओ उम्र ज्यादा हो गई ना मैनू नहीं याद रहिंदा। फरमाते हैं हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मुझे बाबा जी कहने लगे हकीम जी समझ आई जे कि किवें वलिया बन गई है, कहते मैंने इसकी फरमाया नहीं, इन्हूं पता पहले भी ही कि परना मेरे मोंडे ते, लेकिन मैं जो आख्या थी कि जा कमरे जो वेख क्या सिर मेरे आखन कारे उठ के डर गई थी, ये इसलिए वली बन गई है, ये इसलिए वलिया बन गई है, पता इसको पहले भी था कि कपड़ा मेरे मोंडे थे, मैं जो आख बैठा सा कि जा अंदर जाके एक बारी वेख गया, इसने मेरी बात का इतना पास इतना लिहाजा। लेकिन आज हजरत आप अगर किसी को ये बात सुनाएंगे तो आगे से नहीं क्यों करिए भाई, क्यों छूंगा तो मैं पता नहीं है वो वास्ते करना है, क्यों छाऊंदा नहीं मैंने पता कोई नहीं, उदली करना है, करोगे ओदे कोलो अजर पाओगे अदर जी, नहीं करोगे तो फिर भी पेश तो दी बारगाह चो, उसके लिए करना है अदर जी, हमने उसके लिए अच्छा बनना है, उसने मुझे हुक्म दिया अपनी बीवी के लिए अच्छा होने का अदर जी, मैंने उसके लिए अच्छा होना है अदर जी, उसके लिए उसकी छोटी मोटी बातें इग्नोर करनी है अदर जी, उसकी तकलीफ को उसकी मुश्किल को। देखो ना अदर जी सारे जिन्हें तुम बैठे हो सी सारे मजदूर लोग बैठे रहे, एक ही काम है ना जी सामने, कोई अदर जी बड़ा को बंदा बैठा होगा जिसके जिम्मे को दो ड्यूटी होंगी, लेकिन तपे हो ना सारे खोपड़ी तो वही एक ही काम है ना सारे नू, जड़ा उन्होंने जी सर साड़ी वार्डा है जड़ा लैंडमैन है लैंडमैन ही, लैंडमैन लैंड सुपरिटेंडेंट भी नहीं, लैंडमैन नाल एस डी ओ भी नहीं, जो एस डी ओ साहब नहीं हो नाल एक्सीएन साहब नहीं, भाई एक ही ड्यूटी ना, वो बड़ा होगा जिसके जिम्मे को दो ड्यूटी, लेकिन अदर जी सारे थके अके पे हैं, लेकिन भाई अपनी बीवी को समझो, वो बेचारी वो है जिसके जिम्मे एक नहीं जिसके जिम्मे पता नहीं कितनी ड्यूटी है,
तेरा घर भी देख रही है, तेरे बच्चे भी देख रही है, तेरे कपड़े भी धो रही है, तीन वक्त का तेरा खाना भी पका रही है, तेरे कपड़े भी इस्त्री कर रही है, तेरे जूते भी पॉलिश कर रही है, तेरे तेरे बच्चों को भी तैयार कर रही है, उनको स्कूल भेज भी रही। भाई थोड़ा समझ तू भी उसको। तू एक ड्यूटी करके थका हुआ है, तू कहता मेरी मत बज गई, एक ड्यूटी ना भाई उसको भी तो देख, वो बेचारी कितनी ड्यूटियां कर रही है, उसको भी थोड़ा समझ तू, उसको थोड़ा समझ यार, तू समझ ही नहीं रहा उसको कोई। तू एक ड्यूटी से थका हुआ है, वो बेचारी वो जात है जो पता नहीं कितनी ड्यूटियां कर रही, तू भी उसके लिए थोड़ा दिल नरम कर, तेरी औलाद पाल रही है, क्या क्या नहीं तेरे लिए कर, यही बेटियां भी हैं भाई, उसको देखो वो बेचारा सारा दिन, तुम ये चार बच्चे हैं सिर्फ तुम्हारे, तुम कह रही हो मनु पोआ के रख छड़ देने, वो बेचारा दिन में पता नहीं कितने लोगों को फेस करता है, मालक की भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, उसकी भी, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है जी। इसलिए जी हमें समझना पड़ेगा, ये तो ये जिंदगी बार बार तो नहीं मिलनी यार, को लड़ना है ये बार बार मिलेगी। और मैंने जैसे कहा ना कि अल्लाह के लिए सुनना है, ये बस आखिरी बात, ये हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह जड़ी बीबी साहब सन ना, वो बड़िया डाडियां सन, अल्लाह रही है ना कि कौन डाडा, एक नजर भर के वेखन ते तोर पुर भुल जन सारे, ये अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं सारा कुछ। चलो वो लिखा कि बड़ी सख्त थी, और हजरत के लिए भी अक्सर वो पेशतर कोड़े कोड़े जुमले बोल जाया करते, वो को बंदा ना हजरत को मिलना आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, आप तो घर नहीं थे, वो बीबी साहब ने दरवाजा खोला, उसने कहा जी, उन्होंने किवें, उन्होंने कहा जी शेख, उन्होंने कहा केड़ा शेख, एवं झूठा शेख, झूठा फिटिया, ना कम ना काज, जा एवं टाइम जाया करन कितने आ गए, कोई नहीं शेख शूख। वो बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा चंगी गल, वो लिखे जब थोड़ा आगे गया ना तो हजरत जंगल से तशरीफ ला रहे थे इस साल में, क्या आपने लकड़ियां काट के ना तो शेर की पीठ पे रखी हुई थी, वो शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा था, वो बड़ा हैरान हुआ, उन्हें क्या वो कार की थी, वो कहती ये केड़ा शायक, वो कहती ये केड़ा शायक, एवं तू टाइम जाया करना आ गया। और इधर हजरत के तसरुफ का ये आलम है, हजरत के रोब और दबदबे का ये आलम है कि शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा है, उसने की थी हजरत, वो कार की सी थे की सी, फरमाया यार अल्लाह वास्ते ओदियां मैं सुन लैंदा वा, तो फिर अल्लाह के हुक्म नाल मेरियां सुन लैंदा है। अल्लाह के लिए करना पुत्र, अल्लाह के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करो, मोहब्बत करो एक दूसरे से, और इल्म सीखो, और इसमें फ़र्क करो कि कौन सी बात शैतान की तरफ से आई है और कौन सी बात रहमान की तरफ से आई है। अमीन अगर जी जो बात दिल में आई बस उस पर चल, इसको तोलो कुरान हदीस के वजन पे, उसका वजन करो, ये बात अमल के काबिल है कि नहीं है, कदर करो यार, एक दूसरे को समझो, बीवी मियाँ को समझे और मियाँ बीवी को समझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।